दोस्तों हाल ही में चीन ने आर्टिफिशियल सन बनाकर वर्ल्ड मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी और अब कुछ ही समय बाद खबर है कि चीन ने आर्टिफिशियल मून भी बना लिया है। चीन का दावा है कि वह अपने इस कदम से करोड़ों रुपए की बचत कर सकता है। वही चीन द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि उसके बनाए चांद पर जीरो ग्रेविटी होगी। चीन के वैज्ञानिकों ने इस नकली चांद को बेहद फायदेमंद बताया है। उनका दावा है कि इस नकली चांद से बिजली पर आने वाला खर्च काफी कम होगा। चीन द्वारा बनाया गया यह नकली चांद 50 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दावा है कि इसकी रोशनी की मदद से चीन हर साल बिजली खर्च में 1.2 अरब युआन यानी 17.3 करोड़ डॉलर की बचत कर सकेगा। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन के वैज्ञानिकों ने बताया है कि भविष्य में मैग्नेटिक फोर्स से चलने वाली यान तैयार के उद्देश्य से इस नकली चांद पर मैग्नेटिक फोर्स की परख की गई है। इसकी मदद से नए तकनीक के ट्रांसपोर्टेशन साधन खोजने तथा चांद पर मानव जीवन की शुरुआत करने में मदद मिल सकती है। चीन यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के जियो टेक्निकल इंजीनियर ली रुइलिन द्वारा कहा गया है कि 2022 के अंत तक चीन 2 फीट डायमीटर वाला एक बेहद शक्तिशाली मैग्नेटिक फोर्स वाला वैक्यूम चैम्बर बनाएगा। इस चैम्बर को पत्थरों और धूल से भरकर चांद की सतह जैसा बनाया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा कि धरती पर ही चांद जैसी जमीन बनाई जाएगी। चीन के वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक छोटा प्रयोग था और अब वह इस प्रयोग को बड़े स्तर पर करेंगे। इसके बाद चांद पर मानव बस्ती बसाने के उद्देश्य से इस प्रयोग को चांद पर भेजा जाएगा। बताया गया है कि चांद पर धरती से 6 गुना कम ग्रेविटेशनल फोर्स है। यही कारण है कि लोग चांद की सतह पर चल नहीं पाते। दोस्तों, नकली चांद बनाने के प्रयास में चीन ने पहली बार सफलता हासिल की है। इससे पहले दुनिया के किसी भी देश को इसमें सफलता नहीं मिली है। हालांकि ये सोच नई नहीं है। इससे पहले 1993 में रूस के वैज्ञानिकों ने नाम्बिया 2 नामक एक सैटेलाइट को धरती के 5 किलोमीटर के डायमीटर पर रोशनी फैलाने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें इस काम में सफलता नहीं मिली थी। दोस्तों, चीन की इस कामयाबी पर आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।